बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान गुरुवार को नामांकन करेंगे। उनकी नामांकन रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उमेश कुशवाहा, जतिन राम मांझी समेत एनडीए के कई नेता भी शामिल होंगे। हालांकि सभी की निगाहें चिराग के चाचा एवं रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस पर टिकी होंगी। सूचना मिल रही है कि हाजीपुर में मौजूदा सांसद पारस अपने भतीजे के नामांकन में शामिल नहीं होंगे, उन्हें चिराग की पार्टी की ओर से न्योता नहीं भेजा गया है। वही जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान सुबह करीब 10:15 बजे पटना से निकलेंगे। गांधी सेतु पाया नंबर 1 पर उनका स्वागत होगा। इसके बाद वे अपनी मां और बहन के साथ दिवंगत रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर खुली गाड़ी में नामांकन करते हुए हाजीपुर के संस्कृति कॉलेज मैदान पर स्थित सभा स्थल पर रैली करेंगे। आपको बता दें कि चिराग के पिता रामविलास भी इसी मैदान में अपनी रैली करते थे। वे 9 बार हाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। चिराग पासवान की नामांकन रैली में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के शामिल होने की सूचना है। एक दिन पहले आरजेडी छोड़ लोजपा रामविलास में आए वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह भी चिराग की नामांकन रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें इन सभी नेताओं को लोजपा रामविलास की ओर से न्योता भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को चिराग की ओर से नामांकन रैली का बुलावा नहीं मिला। पारस के करीबी एवं दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा ने कहा रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए पार्टी की ओर से चिराग की रैली में कोई भी शामिल नहीं होगा। बता दें कि पशुपति पारस हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं। इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर उनकी भतीजे चिराग पासवान से लंबे समय तक अदावत चली है। चाचा अपने भतीजे के लिए यह सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने पारस गुटवाली राजपोला को साइडलाइन करते हुए चिराग पासवान को लोजपा रामविलास को हाजीपुर समेत 5 सीटें दी हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।